गाइस साल 2023 में टाटा हैरियर ने अपने दो चश्मे चुराग यानी कि टाटा हैरियर और टाटा सफारी में भर भर के फीचर्स डाले हैं। तो फेसलिफ्ट में आपको क्या क्या मिलना है इस वीडियो में आपको जानेंगे। और अगर जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है विकास, आप देख रहे हैं कार विकास ब्लॉग। और सबसे पहले बात करेंगे इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आप बात करें कॉस्मेटिक चेंजेस की तो भाई बाहर से इसमें कुछ भी कॉस्मेटिक चेंज आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको बिल्कुल निराशा होगी, गाड़ी जो है पहले जैसे दिखने वाली है। पहले से भी गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी और अभी भी वैसी की वैसी ही आपको दिखने वाली है। लेकिन अंदर से इंटीरियर में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होने वाले हैं। जैसे कि आपको टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा जो कि 10 इंच का होगा और सेंट्रल में होगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिखने वाला है। इसमें फीचर भी होंगे और ये हैरमन की तरफ से है जो कि काफ़ी ज़्यादा साउंड क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। और अगर हम बात करें इसके एडास फीचर की जो कि इस बार मेन इसका आई कैंडी है, तो गाइस इसमें जो है आपको काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर मिलने वाले की यानी कि फ्रंट सेंसर मिलेंगे कि गाड़ी जो है अलार्म करेगी अगर आपकी गाड़ी किसी से कोलेजन होने वाली है। पीछे जो है पीछे भी सेंसर मिलेंगे यानी कि पीछे से आपकी गाड़ी अगर कोलेजन करने वाली है तो भी आपको पता चलेगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि गाड़ी अगर सामने कोई इंसान आ जाता है या कोई गाड़ी आ जाती है कोलिजन करने वाली हो तो भाई ये आपको अलर्ट करेगी और ऑटो ब्रेकिंग भी लेगी जो कि काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर है। अगर आप ब्लाइंड स्पॉट से कोई गाड़ी आ रही है तो भी आपको अलार्म करने वाली है कि भाई अलर्ट करने वाली है कि स्टेयरिंग इधर से उधर नहीं घुमाना वरना गाड़ी कोलिजन कर सकती है। अगर आपने गाड़ी रोड साइड पार्क करी हुई है और कोई गाड़ी पीछे से आ रही है और आप गेट खोल रहे हैं तो भी आपको ये अलार्म करेगी कि भाई गाड़ी के गेट को नहीं खोलना वरना गाड़ी के टक्कर हो सकती है जो कि सही नहीं है। और अगर आप बात करेंगे इसके पार्किंग में अलर्ट की तो भाई पार्किंग में भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर है इसका। अगर आप गाड़ी में पार्किंग में से पीछे हटा रहे हैं और कोई गाड़ी आ रही है तो वो भी आपको ये अलर्ट करने वाली है कि आप गाड़ी को पीछे मत हटाओ वरना भाई गाड़ी जो है लग जाएगी। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा एडवांस फीचर है। और जो ये एडवांस फीचर एडास में इस बार दिए गए हैं वो महिंद्रा की जो XUV700 है उससे भी ज़्यादा एडवांस हैं ये फीचर्स, क्योंकि उसमें भी इतना सब कुछ नहीं देखा। अगर रियर और साइड से जो है कोलिजन करेगी तो भी आपको मतलब बचाएगी। और अगर आप गाड़ी क्योंकि लेन डिपार्चर कर रहे हैं तो उसमें भी आपको अलर्ट करने वाली है, साइड में कोई गाड़ी है तो वो भी आपको बता देगी कि साइड में गाड़ी अभी है, लेन डिपार्चर मत कीजिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा फीचर है। और ये जो है मतलब अब तक की गाड़ियों में अब तक नहीं देखा गया था, लेकिन अब जो है टाटा इसको लेकर आइए तो बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और अगर हम बात करें इसके एक और एडवांस फीचर की तो भाई लाइट जो है ना ऑटो डिम हो जाएगी। अगर आपकी अपने हेडलाइट जो है वो हाई बीम पे जला रखें, सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो भाई ये ऑटोमेटिकली लो बीम पे जाएगी यानी कि सामने वाले को परेशानी ना हो। और एक चीज़ और है कि भाई अगर आप गाड़ी जो है रोड पर लेकर जा रहे हैं तो रोड के अलार्म साइन भी जो है ये पढ़ लेगी, ये भी बहुत एडवांस फीचर है। इस कुल मिला के टाटा ने अपनी गाड़ियों में रोड सेफ्टी को ही मेन टारगेट किया है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आज की वीडियो, अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।